जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब की बार जनरल इलेक्शन में पहली बार होम वोटिंग की कंसेप्ट को लागू किया है और हमारे जिले में होम वोटिंग में 2208 लोगों ने वोट किया कि हम घर से वोट देना चाहेंगे। इसके लिए हमने 50 टीमें बनाई और आज सभी 7 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें होम वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरी सब आरोप से बात हुई है। बहुत अच्छी तरह से जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उनके अनुसार होम वोटिंग हमने शुरू कर दी है। होम वोटिंग के लिए डेली के पोजीशन यह है कि सुबह डेली आरओ हेडक्वार्टर से एक टीम, जो भी टीम्स बनाई हमने, वो रवाना होंगी और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनको हमने कहा है कि आप सुबह भी आके और वहाँ पे अपना जो बैलेट बॉक्स है उसको आप देखें, उनके सामने उसको सील किया जाता है और उसके बाद एक रूट चार्ट हमने दिया हुआ है सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को भी और वहाँ आम जनता को भी बताया हुआ है और जहाँ पे होम वोटिंग के लिए जा रहे हैं उन लोगों को भी बताया हुआ है। तो वहाँ पे हमारी टीम जाती है और पूरे नियम कानून कायदों के साथ वीडियोग्राफी के तहत होम वोटिंग करवाई जा रही है। इसमें ये होम वोटिंग 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक होगी। 19 तारीख के तक अगर जिसके घर पे आज कोई हमारी टीम गई है और किसी कारणवश वहाँ पे मतदाता उपलब्ध नहीं होता है तो 20 और 21 इन दो दिनों में हम एक बार और ट्राई करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि एक वोटर के पास अधिकतम हम दो बार अप्रोच करेंगे और उसको मतदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। इसी तरह ईवीएम का सेकेंड रेंडमाइजेशन आज होगा। पहला रेंडमाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि उसमें सारी जितनी भी ईवीएम्स हैं वो सही है या नहीं है, इस तरह से पूरी हम उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज पोल के लिए काम आएगी वो करवाते हैं। सेकेंड रेंडमाइजेशन आज शाम को 4 बजे ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में होगा और उसमें विधानसभा वार और बूथ वार वो मशीन्स को आइडेंटिफाई सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। तो ये भी ईसीआई का जो सॉफ्टवेयर है उसी के बेस पे रेंडमाइजेशन होगा शाम को 4 बजे और वो यहीं पे होगा इसी जगह पे और जनरल ऑब्जर्वर्स के उपस्थिति में वो किया जाएगा। इसके लिए भी सभी आपके माध्यम से सभी मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट से भी आह्वान करूंगा, हमने सूचना उनको सबको दे दी है, उसके बाद भी मैं उनसे आह्वान करूंगा कि वो अगर कोई उपस्थित रहना चाहता है या उनका अभिकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहना चाहता है तो वहाँ यहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ईवीएम्स की कमीशनिंग। कमीशनिंग का मतलब हर ईवीएम को पोल बूथ के लिए तैयार किया जाना, तो वो कल और परसों दो दिन सेठ मोतीलाल कॉलेज में उनकी कमीशनिंग चालू होगी। जो इंजीनियर्स बाहर से आते हैं कंपनी के, बेल कंपनी के, वो इंजीनियर्स आज हमारे पास आ जाएंगे और सभी आर ओ वहां पर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ईवीएम्स को तैयार करेंगे। एक इम्पोर्टेंट 17 तारीख से सेकेंड ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग पार्टीज भी शुरू हो रही है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही उनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। इसमें हमने 3 स्थल है उनको सिलेक्ट किया है। पहला है जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दूसरा है जेके मोदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तीसरा है मुरारका कॉलेज। जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिलानी और झुंझुनू की पोलिंग पार्टीज हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। ऐसे जेके मोदी में मंडावा और खेतड़ी दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पोलिंग पार्टीज की सेक्रेटरी की जाएगी और तीसरा मुरारका कॉलेज में सूरजगढ़, नवलगढ़ और उदयपुर पार्टी, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ट्रेनिंग की जाएगी। साथ में ट्रेनिंग में जो भाग लेने आ रहे हैं उनके मतदान के लिए व्यवस्था भी वहां पे फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाए हैं। तीनों प्रशिक्षण स्थलों पर हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं ताकि वहां पे ट्रेनिंग लेने वाले जितने भी मतदान कर्मी हैं, मतदान दल के कर्मी हैं, वो अपना मतदान कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप के ऊपर काफी जोर दे रखा है। स्वीप एक्टिविटीज में हमारे सीओ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे और काफी सराहना, हमारी कुछ चीजों की सराहना आपके माध्यम से आगे तक पहुंची, नेशनल लेवल तक भी पहुंची है। तो उसमें
हमारे पिछले 2018 के जनरल इलेक्शन में 206 बूथ ऐसे थे जिसमें 65% से कम वोटिंग हुई थी, उनको हमने स्पेशल टारगेट पे लिया आपकी बात। वहाँ पे माइक्रो लेवल पे हमने प्लानिंग करी है, उसके रूट कॉज में हम जा रहे हैं कि यहाँ पे 65% से क्यों हुई थी, कम क्यों हुई थी, तो उस पर हमारी एक प्लानिंग चली है जो शिव साहब अभी आपको बताएंगे। उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इन 65% से बढ़कर और ये स्टेट लेवल या स्टेट लेवल के ऊपर जाए ताकि हमारा ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी बढ़ सके। अभी निर्देश आए हैं कि हर मतदान केंद्र पर प्रथम 5 मतदाताओं से वृक्षारोपण भी किया जाए, तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि जिसके अंदर हमारे पर्यावरण के लिए मैसेज देने की भी बात है। तो इस काम को हम जनरल वोटिंग में तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं चाहूंगा कि होम वोटिंग के दौरान भी हम इस काम को करें क्योंकि हमारी टीम जा ही रही है, तो मेरी आज बीएलओ साहब से बात हो गई है और हम कल से कोशिश करेंगे कि जिस भी गांव में हमारी टीम जा रही है तो वहां पे कुछ पेड़ लगा के हम ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पेड़ पौधों को बढ़ाना है। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी, बाकी हमारी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तैयारी है। 1737 बूथ झुंझुनू जिले में टोटल बूथ हैं और 18.02 लाख वोटर्स हमारे टोटल हैं जो कि 25 तारीख को वोटिंग करेंगे। 28,267 हमारे सर्विस वोटर्स हैं जिनको हमने ATPPS के माध्यम से हमारे वोट उनको इलेक्ट्रॉनिकली भेज चुके हैं, जो सर्विस वोटर्स हैं जो सैनिक लोग हैं उनको हम वोट भेज चुके हैं और उसके बाद वो जो भी अपनी पोलिंग करके और पोस्टल के माध्यम से हमारे पास अपना बैलेट भेजेंगे। धन्यवाद। जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आगामी 15 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्टिविटीज़ की जानी है, उसके संबंध में मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे। आज होम वोटिंग स्टार्ट हुई है पूरे ज़िले में और ये 19 नवम्बर तक होम वोटिंग होगी, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जिन जिन लोगों ने ये विकल्प चूज किया होम वोटिंग का वो अपने घर पर उपस्थित मिलें, एक मतदान दल आपके घर पे आएगा और मतदान करवाएगा। साथ में ही परसों 17 तारीख से द्वितीय प्रशिक्षण हो रहा है मतदान दलों का, वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाए हैं तो जितने भी मतदान दल के कर्मी हैं वो अपना वोट वहाँ पे कास्ट कर सकेंगे। आज दोपहर 4 बजे जो EVMs हैं उनका सेकेंड रेंडमाइजेशन रखा गया है, तो उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो उपस्थित रहें ताकि उनकी उपस्थिति में EVMs का सेकेंड रेंडमाइजेशन किया जा सके। ज़िले में जैसा कि आपको मालूम है स्वीप की एक्टिविटीज़ अच्छी चल रही है तो उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कार्य योजना बनाई है। इलेक्शन विभाग का एक निर्देश ये भी प्राप्त हुआ है कि जहाँ पर भी मतदान होगा वहाँ पर प्रथम 5 मतदाताओं से 5 पेड़ लगवाए जाएँ, तो ये बहुत अच्छी पहल है और जिसमें ज़िले में हमने कार्य योजना बना ली है और हम कोशिश करेंगे इससे हमारा ग्रीन बेल्ट बढ़े। हाँ, हमने 1737 टोटल बूथ झुंझुनू ज़िले में हैं उनमें से 50% अर्थात 870 बूथ्स पे हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था करी है, तो वहाँ पे वेबकास्टिंग होगी और वो सीधी हमारे और इलेक्शन कमीशन की नज़र में रहेंगे। होम वोटर 2208 हैं टोटल, तो उनकी वोटिंग अगले 5 दिनों में कराई जाएगी। आज नेहरू जयंती है और उस पर एक पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया था जिसपे हम सभी अधिकारियों ने वहाँ पे जाके और पुष्पांजलि नेहरू पार्क में नेहरू जी की मूर्ति पे दी है।